एक तरफ ब्रिटिश हुकूमत हिंसात्मक तरीके अपनाकर क्रूरता के साथ भारत के लोगों का और उनके आज़ादी के सपनों का दमन कर रही थी, वहीं दूसरी ओर एक बुजुर्ग व्यक्ति अहिंसा को अपनी ढाल बनाए उनका सामना करने के लिए खड़ा था। अहिंसा के उसके नायाब तरीके ने न केवल अंग्रेजों को देश से खदेड़ने का काम किया, बल्कि पूरे विश्व के सामने शांति के साथ आंदोलन चलाने का संदेश भी रखा। ये कहानी है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की। उनका पूरा जीवन, उनका एक एक काम न सिर्फ आज हमें देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा देता है, बल्कि सच्चाई के रास्ते पर चलने का मार्गदर्शन भी करती है। महात्मा गांधी के आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने से पहले तक आज़ादी का आंदोलन और उसका नेतृत्व केवल कुलीन वर्गों के हाथ में था। उनके आने के बाद आज़ादी की लड़ाई हर वर्ग, हर तबके के लोग तक पहुंची और जन आंदोलन बनी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया तो शहरी क्षेत्र में, मध्य वर्ग और ग्रामीण क्षेत्र में किसानों, श्रमिकों और आदिवासियों का इससे व्यापक समर्थन मिला। इस आंदोलन ने अंग्रेजी हुकूमत की नींद उड़ा दी, पर चौरी चौरा में अहिंसा के सिद्धांतों के खिलाफ हुए हिंसक घटना के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। उन्होंने अंग्रेजों के नमक कानून के खिलाफ भी अभियान शुरू किया। उस वक्त के ब्रिटिश कानून के मुताबिक भारतीय नागरिक ना तो नमक जमा कर सकते थे और ना ही उसे बेच सकते थे। इसके चलते भारतीयों को अंग्रेजों से भारी कीमत पर नमक खरीदना पड़ता था। गांधी जी ने हजारों लोगों की भीड़ के साथ दांडी यात्रा निकाली और ब्रिटिश हुकूमत के प्रतीकात्मक विरोध के तौर पर नमक बनाकर कानून तोड़ा। इसके चलते अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। यह आंदोलन तेजी से फैल गया। हजारों लोगों ने अंग्रेजी सरकार को टैक्स और राजस्व देने से मना कर दिया। नमक सत्याग्रह के बाद एक मुट्ठी नमक बनाते हुए गांधी जी ने कहा, इस एक मुट्ठी नमक से मैं ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला रहा हूँ। और वाकई इस महात्मा ने सत्य और अहिंसा के साथ ब्रिटिश साम्राज्य को भारत से उखाड़ फेंका। महात्मा गांधी वह इतने संपन्न परिवार से थे कि उनके पास सारी सुख सुविधाएं और संसाधन थे, लेकिन महात्मा गांधी ने देश के लोगों की बेहतरी और देश की आज़ादी के लिए अपने शरीर पर एक धोती के अलावा सब कुछ त्याग दिया। उन्होंने ठान लिया था कि देश को आज़ाद करा के रहेंगे। उनके त्याग और दृढ़ निश्चय के परिणाम स्वरूप देश को स्वतंत्रता मिली।